हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 मिशन है हम लोग का 2019 और 20 के सभी सवालों को हल कर लेने का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यूपी बोर्ड के 2019 में और 2020 के सभी सवाल को जो हल करने का जो है टारगेट जो है लिए हैं, और 2019-20 के सभी सवालों को हल कर देना है। ये जो है सभी सवाल 174 है, हमने काउंट किया है, ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक से, जिसमें आज हम देखेंगे 25, 26, 27, 28 और 29। देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक से ही सब सवालों को लिया है हमने, ठीक है ना। तो 25 नंबर ए है, 25 नंबर पे आ रहा है, एक नंबर से शुरू किए हैं तो पहले चैप्टर से, ठीक है। तो 25वां सवाल, इसके बाद से हम लोग 26वां, 27वां, 28वां, 29वां देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप लोग जो है 2019-20 के सभी सवालों को हल करना चाहते हैं, आप देखिए ना, इसमें जो है 2019 में भी या 2020 में भी पूछ दिया, तो हो सकता है ऐसे ही जो है रिवीजन टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएं, या जो है आप लोगों को जो है, देखिए यूपी बोर्ड का जो है पैटर्न यही रहेगा, मतलब इसी टाइप के सवाल, केवल अक्षर बदल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अक्षर बदल दिए जाएंगे, टाइप यही रहेगा, प्रैक्टिस वही रहेगा, सॉल्यूशन वही रहेगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन वही का मतलब कि हल करने का तरीका वही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को जो है यूपी बोर्ड टॉप करना है ना, यूपी बोर्ड में जो अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं ना, तो आप लोगों को यूपी बोर्ड के सवालों को अधिक से अधिक हल करना होगा, और उसी चैनल को जो है चूज कीजिए जो यूपी बोर्ड के सभी सवालों को इस समय से जो है हल करके दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को जो है 2019 और 20 और जो है 17-18 के भी जो है सभी सवालों का जो है सॉल्यूशन मिलेगा और क्रमशः मिलेगा। ये जो है आप लोगों का जो है आज से ही जो है एपिसोड चालू कर रहे हैं, इससे पहले मैंने 25 से पहले जो है अन्य वीडियो हैं तो उसको देख लीजिएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तो इस एपिसोड को आप लोग जो है एपिसोड नंबर जो है 4 रख देते हैं, एपिसोड नंबर 3 3, एपिसोड जो है ये आपका जो है पार्ट 3 रहेगा, PART पार्ट ए जो है 3 होगा, ठीक है ना। तो पार्ट 3 में जो है आपको 25 से जो है 29 तक के सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें आप लोग जो है सवाल देख लीजिए क्या क्या है। तो 26वां सवाल है, 25वां जो है देखिए क्या है, तो के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 26, इसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो आप लोग अगर देखना है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दो अंकों से बनी एक संख्या उन अंकों के जो है उलटने से बनी संख्या के योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के जो है सभी क्वेश्चन हैं। तो आइए जो है पहला क्वेश्चन जो है हम लोग जो है देखते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर देखिए हम जो है पन्ना ले लेते हैं, ठीक है, और पहले क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो है पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हल, एक मिनट, ठीक है। तो आपका जो समीकरण दिया हो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल, और हल में देखिए दोस्तों, जैसे बता रहे हैं, जिस तरह से बना रहे हैं, वैसे ही आप लोग परीक्षा में हल करेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए समीकरण दिया हुआ है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 है, ठीक है। उसके बाद से है 12x प्लस में के वाई माइनस में जो है क्या है के है, ठीक है ना, बराबर 0 है। एक बार जो है मिला लेते हैं, क्या है के एक्स प्लस 3y माइनस में के माइनस 3 बराबर 0, और है 12x प्लस में के वाई माइनस में के बराबर 0, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताइए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, के का क्या मान होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते होंगे, अगर इससे पहले के आप लोग वीडियो देखे होंगे या इस चैप्टर को पढ़े होंगे, यह चैप्टर जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो है आप लोग पढ़े होंगे कि तीन कंडीशन दिया रहेगा, तीन कंडीशन जो है हम लोगों को प्राप्त होता है अगर दो गो समीकरण दिया हो, एगो ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू हो तो इसके अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है ना।
और जो है रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है ना। और पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि ए वन अपान ए टू अगर बराबर ना हो बी वन अपान बी टू के, तो इसके जो है अद्वितीय हल या एक हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है ना, या एक हल होता है इसका, एक हल, ठीक है ना, एक हल होता है। और जो है यदि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू और बराबर न हो सी वन अपान सी टू के, तो इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता है, और रेखाएं समांतर होती है, अद्वितीय हल के रेखाएं क्रॉस करती हैं, ठीक है ना। अगर ग्राफ खींचा जाए इन दोनों समीकरणों से तो ग्राफ क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को कहा जा रहा है कि अनेक हल बताइए कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए हम लोग जो है ऐसा कंडीशन इसमें प्राप्त करेंगे। तो देखिए अब आप लोग कहेंगे कि ए वन अपन ए टू कहाँ से आएगा, तो इसमें ए इसको जो देखिए इसको तुलना कीजिएगा ए वन एक्स, ठीक है ना, ए टू ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन, ये मानक समीकरण है अपना, इससे जो है इसका तुलना कर लेंगे। आ इसको जो है एक्स टू सॉरी ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू से जो है इसका तुलना कर लेंगे। अब तुलना करने पर हम लोग देख रहे हैं कि ए वन एक्स है तो ए वन के नीचे क्या के दिख रहा है। तो अगर हम लोग को ए वन अपान ए टू ज्ञात करना है, ए वन अपान ए टू, तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि के अब बट्टे में जो है क्या कर लेंगे, 12 कर देंगे। यहाँ पे देखिए ए वन का मान जो है के आ रहा है और ए टू का मान 12 आ रहा है। तो इस प्रकार हमने जो ए वन का मान जो है के रख दिया, ए टू का मान 12 रख दिया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे बी वन अपान बी टू, तो बी वन अपान बी टू देखते हैं तो जो है कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बी वन का मान 3 है, मैंने इस समीकरण में तुलना कर रहे हैं, तो जो है वाई का जो गुणांक है यहाँ पे बी वन है, तो वाई का गुणांक यहाँ पे 3 है, इसका मतलब बी वन के जगह पे 3 है। उसके बाद से बी टू, तो बी टू के जगह पे क्या रहेगा, तो बी टू के जगह पे है के, बी टू के जगह पे क्या है के, ठीक है। और उसके बाद से सी वन अपान जो है सी टू ज्ञात कर लेते हैं, तो सी वन अपान अगर सी टू ज्ञात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, वैसे जो है सी वन अपान सी टू ज्ञात करते हैं तो सी वन का मान देखिए आइए ना, सी वन है तो सी वन का मान माइनस में जो है 1 हो जाएगा, ठीक है ना, सी वन का मान माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो सी वन का मान हम लिख देते हैं माइनस में सी वन सी वन सी वन सी वन यहाँ पे है, तो माइनस में के माइनस 3 है, के माइनस में 3 है, बटे में जो है क्या है, तो के सी टू का मान है माइनस में के, सी टू का मान क्या है माइनस में के, तो माइनस से माइनस खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, तो के 3-1 अपान के हो जाएगा। किसका मान, तो जो है आपके जो है सी वन अपान सी टू का मान। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग जो है पहले जो देखिए यहाँ पे ए वन अपान ए टू बराबर के अपान 12 है, के बट्टे 12 है, अब बराबर लिख सकते हैं बी वन अपान बी टू बराबर 3 के अब बट्टे 3 अपान के लिख देंगे, और सी वन अपान सी टू का मतलब लिख देंगे के माइनस 3 अपान के, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं के अपान 12 हो गया, 3 अपान के हो गया, और फिर जो है के माइनस 3 अपान के हो गया, ठीक है ना, यही ना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं तो जो है क्या है, अब इसके लिए जो हम लोग को इतना प्राप्त हो गया, तो इसके बाद से हम लोग जो है लिखेंगे कि यदि जो है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हम लोगों का जो है क्या कंडीशन प्राप्त होना चाहिए। हम लोगों को जो है ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर सी वन अपान सी टू प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें जो इतना मान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। तो इसके लिए के का क्या मान रखा जाए कि ऐसे ऐसे कंडीशन प्राप्त हो जाए हम लोगों को, ठीक है ना। तो के का मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमें जब ऐसा चाहिए तो इसलिए इस लिए हम जो है क्या करेंगे, इसलिए जो है क्या करेंगे के वन के बटे 12 बराबर लिख लेंगे 3 बटे के, अब बराबर लिख देंगे
के माइनस थ्री बटे के, क्योंकि तीनों बराबर रखते हैं तो तीनों बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होने के लिए हम लोग इन समीकरणों को भी जो है बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। अब बराबर करने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, तो बराबर करने के बाद से अब हम लोग जो है पहले स्टेप में क्या ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग को के मान निकालना है तो इतना बराबर इतना है, तो यहाँ पे जो हम लोग ले सकते हैं के बटे 12 बराबर 3 बटे के, हमें से आई निकाल सकते हैं, चाहे इतना बड़ा इतना लेके भी के का मान निकाल सकते हैं, चाहे इतना बड़ा इतना भी लेके के का मान निकाल सकते हैं। तो हमने जो है क्या किया, यही दो पार्ट ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के, अब के का के में गुणा होगा तो के स्क्वायर बराबर जो है हो जाएगा 12 3 36, 12 का इसमें मैंने क्रॉस गुणा करेंगे तो 12 3 36, और के का के में गुणा करेंगे तो के स्क्वायर हो गया। तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्ग जो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 36 रूट में। जब भी आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे याद रखिएगा कि जब भी वर्ग संख्या को इधर लाते हैं तो जो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, और वही रूट को इधर लाते हैं तो वर्ग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रूट में जो है 6 गुणा 36 है, तो 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, और जब रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा लगता है तो वह संख्या जो है क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो हम लोग जो है 6 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो के का मान हम लोगों का जो है 6 ज्ञात हो गया, ठीक है ना। तो यही हम लोगों को पूछा जा रहा था कि के किस मान के लिए, ठीक है ना। अब के का जो है मान जो है, के का मान निकल गया, बस के का मान हम लोग से पूछा जा रहा था, तो के का मान जो है 6 होगा, आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। बस ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन यही होगा। इसके बाद से हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है के बराबर 6 आया भी है, प्रमाण की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 0 नहीं लेंगे, ठीक है ना। इस ये जो है दे रहा है कि इसके दो मान प्राप्त होंगे, ये देखिए के बराबर 36 प्लस माइनस में 6 दे रहा है, तो प्लस माइनस में 6 का मतलब हम लोग जो है 6 लेंगे, ठीक है ना। बस 6 हो गया के का मान, हम लोगों को जो है 6 ले लेना है के का मान, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम लोग जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कहता है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एम उनके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है ना। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों से बनी एक संख्या एम उनके अंकों के को उलटने पर बनी संख्या का योग, अंकों उन्हें बनी संख्या का योग 66 है, 66 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, लिख लेंगे हल, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, हल लिख लेंगे। तो हल में हम लोग जो है क्या करेंगे, कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो दो अंकों से बनी संख्या, तो सबसे पहले जो देखिए कोई भी संख्या अगर दो अंकों से बन रही है, दो अंकों से अगर कोई संख्या मान लीजिए 26 है चाहे 25 है, तो दो अंकों से बनी है, तो इसमें एक इकाई होगा एक दहाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इकाई और दहाई के अंक क्या हैं। तो माना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना 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 कि इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक हम लोग मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। और दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक वाई है, ठीक है दोस्तों। सवाल पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी जो है पूरा समझ में आएगा, और सबका सॉल्यूशन आवश्यक है यदि आप लोग यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। नहीं लाना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है। तो अगर हम लोग इससे संख्या बनाएं तो क्या बनेगा संख्या, तो हम लोग जो है संख्या अगर बनाते हैं तो संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर क्या होगा, अब देखिए अभी 25 है, तो 25 को क्या हम लोग जो है लिख सकते हैं कि
कि 2 × 10^5 लिख सकते हैं ना, हमेशा ही 10 गुना होगा दहाई का अंक होगा। तो अगर हम लोग संख्या बनाए इकाई और दहाई से, तो इकाई का अंक जो है क्या होगा यक्स, और दहाई का अंक जो है क्या होगा, दहाई का अंक वाई है ना। तो दहाई को अगर संख्या बनाना हो इससे दो अंकों से, तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे कि 10y और धन में लिखेंगे यक्स, ठीक है ना। इस धन में क्या लिख देंगे यक्स। तो ये हम लोगों को संख्या प्राप्त हो गया ये 2 अंक के, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 2 अंक की संख्या हम उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, 2 अंकों की ही संख्या हो गया, अब अंकों के उलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ पे निकालेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए अंकों को उलटने पर, अब देखिए भाई अंक उलट देना है, अंक का मतलब है वाई और यक्स को पलट देना, यानी कि यक्स के जगह पे क्या बैठेगा वाई, या वाई के जगह पे क्या बैठेगा यक्स, ठीक है ना। तो यक्स के जगह पे वाई के जगह पे हम लोग यक्स को बैठाते हैं, तो यहाँ पे 10 तो यही रहेगा भाई, और जो है यक्स बैठा देंगे अधन में वाई बैठा देंगे, ठीक है ना। तो अंकों का अंक पलट गया, अंकों को उलटने पर बनी संख्या हो गया 10x धन y। अब जो है प्रश्नानुसार हम लोग जो है क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग, मैंने हाई जो जो 2 अंक की संख्या बनी है वो, आज जो है अंक उलट देने पर बनी जो संख्या है वो, इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो है योग कितना है 66 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि 10y अब प्लस में यक्स अधन में 10x अब प्लस में वाई बराबर है 66 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो जो देखिए 10y है और 1y है, तो ये हो गया 11y हो गया, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो यक्स है और 10x है, तो यो हो जाएगा 11x, अब बराबर हम लोग लिख देंगे क्या 66, ठीक है। अब 66 जब हम लोग लिख दिया, तो आप लोग जो है पन्ना आगे बढ़ा लीजिएगा, हम इसी पे बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए 11×66 हो गया, अब हम लोग जो है चाहें तो 11 कामन ले सकते हैं, ना। तो 11 अगर कामन ले लेते हैं तो वाई अब प्लस में हो जाएगा यक्स, अब बराबर हो जाएगा 66, ठीक है ना भाई। 11 11 कामन निकल गया, 11 है हाँ, 11 है, तो 11 कामन निकल गया, यक्स प्लस वाई, वाई प्लस यक्स बचेगा, चाहे एक्स प्लस वाई कहिए, कोई को कुछ कह सकते हैं, वाई प्लस एक्स कह सकते हैं या एक्स प्लस वाई कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो अब 11 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वाई अब प्लस में एक्स बराबर 66, और यहाँ देखिए गुणे का संबंध है, ठीक है ना। तो गुणा का संबंध है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा भाग, अब 11×66, तो वाई प्लस एक्स का मान कितना हो गया 6, ठीक है ना। अब इससे हम लोगों को जो है एक समीकरण प्राप्त हो गया कि यक्स वाई प्लस यक्स बराबर 6, या इसी बतिया को हम लोग लिख सकते हैं कि यक्स प्लस वाई बराबर 6, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं है इसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, एक काट दीजिए, ठीक है। अब जो है देखिए प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे शर्त के हिसाब से, दूसरे दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्त के अनुसार जो है क्या हो रहा है। तो दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दूसरा शर्त कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या के अंकों का अंतर। तो हमने जो इकाई का अंक यक्स लिया है, दहाई का अंक वाई लिया है, तो संख्या का अंतर करना है, तो हम लोग जो है यक्स में से वाई घटा देंगे, ठीक है ना, मैंने इकाई का अंक में से दहाई का अंक घटा देंगे, किसी को भी घटा सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने इकाई का अंक यक्स लिया है, तो जो है एक्स में से जो है वाई को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस वाई बराबर जो है क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर यदि हटा दिया जाए तो अंतर जो है संख्या का 2 हो जाता है, तो यह जो है 2 हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर 2 हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना।
समीकरण नंबर एक और दो को जो है क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर है ना, समीकरण एक और दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, जोड़ने पर भाई, इसलिए थोड़ा राइटिंग में लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी राइटिंग बैठाने का प्रयास कीजिएगा। जोड़ते हैं तो समीकरण नंबर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर है 6, और समीकरण नंबर दो क्या है कि x माइनस वाई बराबर कितना है। अरे है क्या, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं का, नहीं लिख सकते हैं x प्लस वाई, हाई x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना 2। अब इसको जो जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो देखिए प्लस प्लस है तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आई प्लस आई माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम बराबर लिख देंगे 6 2 8, ठीक है ना, 6 2 8 लिख देंगे, ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 8 के बाद से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8, अब बट्टे में हो जाएगा 2 2 4 8, तो 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 4। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 4, ठीक है ना। तो अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, अब वाई के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कौन समीकरण में रख दीजिए वाई का मान, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर एक में रखते हैं हम लोग वाई का मान, समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, तो वाई का मान रख देते हैं समीकरण नंबर एक में। तो वाई का मान अगर रखते हैं हम लोग समीकरण नंबर एक में, तो वाई के जगह पे ही है ना है समीकरण नंबर एक, तो वाई के जगह पे जो है सॉरी यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान निकला है ना 4 है, यक्स का मान 4 निकला है। तो समीकरण नंबर एक में यक्स का मान 4 रखने पर, यक्स का मान 4 रखने पर जो है क्या हो जाएगा, तो यक्स का मान 4 रखते हैं तो वाई प्लस में जो है यक्स है तो इसका मतलब हो गया 4, मतलब ए में रखो चाहे में रखो कोनो दिक्कत नहीं है। तो वाई प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 6। तो जो है 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 और माइनस में 4, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो वाई बराबर कितना हो गया, 2, तो वाई का मान 2 हो गया। अब संख्या बना लेते हैं हम लोग, तो संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए संख्या हम लोग यही ना बनाए हैं, तो संख्या अगर हम लोग बनाए तो संख्या क्या बनेगा, यहाँ पे लिखे हैं संख्या बराबर हम लोगों ने प्राप्त किया था 10y और प्लस में यक्स। तो यहाँ पे जो है 10 और वाई का मान कितना रखते हैं, 2, धन में जो है यक्स का मान कितना रखते हैं, 4। तो कितना हो जाएगा संख्या, 10 2 20 और प्लस में कितना हो जाएगा, 4 बराबर 24, ठीक है। अंकों का यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो जो है 42 हो जाएगा, यह संख्या स्थान बदलने पर, ठीक है ना, स्थान बदलने पर जो है कितना हो जाएगा, 42, ठीक है ना। तो अभीष्ट संख्या जो है या तो 24 हो सकता है या तो 42 होता हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या 24 या 42 है, ठीक है ना, अभीष्ट संख्या 24 या 42 है, लिख दीजिएगा, कोनो दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो है हम लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 को जो हम लोग यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल, हल में जो है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख देना है।
हल में आप लोग देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो अभी हम पढ़े हैं, तो इसलिए आप लोग से कह रहे हैं कि थोड़ा नोट भी करते जाइए, इसको नोट बनाते जाइए। तो यहाँ पे जो है 27 है, कह रहा है कि एक भिन्न एक बटे तीन हो जाती है कब, जब उसके अंश में। अब पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना की जो है भिन्न क्या है, तो मान लेते हैं हम लोग माना की भिन्न, माना माना भिन्न जो है क्या है, तो भिन्न जो है यक्स बटे वाई है, ये भिन्न मान लेंगे हम लोग, ठीक है ना। भिन्न बराबर है यक्स बटे वाई के। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख देंगे। और प्रश्नानुसार जो है कह रहा है प्रश्न में क्या, कि एक भिन्न एक बटे तीन हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा दिया जाए। देखिए इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, तो कह रहा है कि यदि इसके अंश में से एक घटा दिया जाए, यानी कि जौन भिन्नवा है तो भिन्नवा के जो है अंश में से एक घटा देना है, समझे। और जो है तो जो इस भिन्न का मान क्या हो जाता है, एक बटे तीन हो जाता है, तब तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है, एक बटे तीन हो जाता है, ठीक है ना। आ यदि उसके अंश में से एक घटा दिया जाए तो, ठीक है ना, यदि उसके, अच्छा ये यदि उसके अंश में से घटा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, एक बटे तीन हो जाता है, अंश में से घटाने पर एक बटे तीन हो जाता है, और एक बटे चार हो जाते हैं जब हर में आठ जोड़ दिया जाता है। तो इसी भिन्नवा में जब हर में आठ जोड़ दिया जाता है तो ये भिन्नवा का मनवा क्या हो जाता है, इस भिन्न का मान क्या हो जाता है, तो एक बटे चार हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसको जो है हल कर लीजिए और इसको हल कर लीजिए। तो पहले समीकरण नंबर जो है एक से हम लोग जो है पहले पहले इसको जो हल करते हैं, तो इसको अगर हल करें हम लोग तो जो है तीन का इसमें गुणा हो जाएगा, वाई का इसमें गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे। तो यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं, पहले जो है आप लोग जगह छोड़ के तब को दिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीन का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा थ्री आई एक्स माइनस वन, ठीक है ना, थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है, तीन का इसमें गुणा होगा तो तीन ब्रैकेट लगा के एक्स माइनस वन कर देंगे। उसके बाद से जो है क्या करेंगे, वाई का एक में गुणा कर देंगे, तो वाई का एक में गुणा करेंगे तो वाई का नाम वाई, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो इसको देखिए ब्रैकेट को खोल देंगे तो जो है तीन का इसमें गुणा हो जाएगा, तीन इसमें भी टच होगा, तीन इसमें भी टच होगा, टच होने का मतलब गुणा होगा, तो तीन का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स, और तीन का माइनस एक के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा तीन, बराबर हो जाएगा वाई, ठीक है ना। तो वाई का जो है वैल्यू प्राप्त हो गया आपका थ्री एक्स माइनस तीन, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम लोग एक मानते हैं। अब जो है समीकरण नंबर, चाहे इसको समीकरण एक मानिए इसको समीकरण दो मानिए, तो हाई जो है हो गया समीकरण एक से, ठीक है ना, समीकरण एक से, समीकरण एक से हो गया ये, ठीक है ना, एक से हो गया ये। अब समीकरण दो से देखते हैं, तो समीकरण दो से जो है क्या प्राप्त हो रहा है, तो समीकरण दो को जो है देखते हैं तो x बटे वाई प्लस आठ बराबर है एक बटे चार, है ना। तो चार का x के साथ गुणा होगा तो चार एक्स हो जाएगा, अब बराबर जो है वाई प्लस आठ का गुणा एक के साथ होगा तो y प्लस जो है आठ हो जाएगा, यही ना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि जो है अब यहाँ पे जो है समीकरण नंबर हम लोग इसको क्या मान लें भाई, यहाँ पे हम लोग को y का मान निकला हुआ है तो इसलिए हम लोग को जो है y का मान निकला हुआ है तो इसको समीकरण नंबर एक मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर एक्स बराबर जो है चार वाई प्लस आठ हो गया, तो जो इसको समीकरण नंबर दो मान लीजिए। अब समीकरण नंबर दो में समीकरण नंबर एक से मान भर दीजिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो प्रतिस्थापन विधि से अगर मान भर देते हैं हम लोग तो जो है क्या हो जाएगा, मान भरिए इसमें, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण एक से y बराबर इतना लिखने पर, समीकरण दो में समीकरण एक से y बराबर ये ना है y बराबर थ्री एक्स माइनस तीन रखने पर, थ्री एक्स माइनस तीन रखने पर तो यहाँ पे रख दीजिए अब, तो रखेंगे तो यहाँ पे देखिए समीकरण दो में समीकरण एक से y बराबर तीन एक्स माइनस तीन रखने पर, तो दो में हम लोग मान रख रहे हैं तो चार एक्स रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे देखिए y, तो y के जगह पे हम लोग जो क्या रख देंगे समीकरण नंबर
एक से 3x माइनस 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x और माइनस में 3। आ उसके बाद से जो है क्या होगा, तो y के जगह यहाँ पर तो हमने इतना भर दिया, अब प्लस में जो है 8 है, तो प्लस में 8 रहेगा ही रहेगा समीकरण नंबर 2 में। आए तो अब जो है इसको सॉल्व कर लेना है, तो 3x इधर आएगा, तो 4x माइनस में 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 और प्लस में 8 होगा ना, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देना है, तो यह जो है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो जो 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा x, x बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 3 घट जाएगा तो 5, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब y का मान निकालना है, तो ये मान लीजिए समीकरण नंबर हो गया आपका 3, तो समीकरण नंबर 3 से जो है समीकरण नंबर किस में मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे लिखिए, समीकरण 3 से यक्स बराबर 5 को समीकरण कितने में रखिए, 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में अगर हम लोग रखते हैं तो यह न है समीकरण 1, यह न है समीकरण 1, 3x माइनस 3 बराबर वाई, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 बराबर वाई, तो जो हम लोग इसमें मान रखना है x के जगह पे 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, और माइनस में 3 बराबर हो गया y। ठीक है, यही ना हुआ, तो जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, और माइनस में 3 बराबर y, तो 15 में से 3 जा 12, तो y का मान कितना हो जाएगा 12, तो अभीष्ट भिन्न क्या होगा, तो अभीष्ट भिन्न आपका प्राप्त हो जाएगा कितना, भाई देखिए x बट y हम लोग अभीष्ट भिन्न लिए थे, तो x का मान कितना आया, तो x का मान हम लोगों को प्राप्त हुआ, x का मान कितना प्राप्त हुआ है 5, तो 5 बट y का मान कितना प्राप्त हुआ है, तो y का मान 12, तो 5 बटे 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 बटे 12 अभीष्ट आपका जो है भिन्न होगा। ठीक है ना, तो अब इसके बाद से हम लोग जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए ध्यान से और देखिए, निम्नांकित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ठीक है ना, इसको हल करना है। हाँ देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचवा जो है लाल कलर का होगा, लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उस पर दबा के आज जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, आप लोग सब्सक्राइब जो है कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर सवाल हम इस चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं, जिसको आप लोग जो ढूंढने से दिया लेके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो देखिए अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अनिवार्य समीकरणों को हल कीजिए, इसको जो है क्या करना है, हम लोगों को हल कर देना है, तो इसको जो है, तो देखिए हम लोग को जो समीकरण यही ना दिया गया है, तो इसी समीकरण को हम लोगों को जो है क्या करना है, हल कर देना है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, पहला समीकरण हम लोग क्या दिया गया है, 2ax माइनस में by प्लस में a प्लस 4b बराबर 0, यही है ना। इसके बाद से क्या है, तो इसके बाद से है ये वाला 2 अब bx धन में ay आप प्लस में जो है क्या है, तो b माइनस 4a है, यही ना है, बराबर क्या है 0। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है अगर ये पहला समीकरण है, इस पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हल करें, तो इसको विस्तार करें पहले समीकरण को, समीकरण एक का अगर हम लोग विस्तार करें, ब्रैकेट खोल दें समीकरण एक को, ठीक है ना, तो आप लोग गैप दे के लिखिएगा। ठीक है, तो समीकरण एक को अगर हम लोग क्या कर दें, ब्रैकेट खोल दें, इसको सरल कर दें, तो सरल करते हैं तो 2ax हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, और फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में जो है 2by हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो a और प्लस में 4b, ठीक है ना, बराबर 0 हो गया। दोस्तों इसको जो है ऐसे करने से फ़ायदा क्या हुआ, कि हम लोग को x और y के गुणांक दिखने लगे, इसको हम लोग c मानेंगे, ठीक है ना, तो x और y के गुणांक दिखने लगे हम लोगों को, भाई हम लोगों का मानक समीकरण है ये ना है ax मैंने a1x धन b1y धन में c1, इसी से हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है ना, तो अब जो है इसका तुलना इससे कर लेंगे, ठीक है ना,
और इसका तुलना अब इस समीकरण को अगर हम लोग हल करते हैं तो इसको जो है ब्रैकेट खोल लीजिए तो 2bx हो जाएगा, ठीक है ना, आप प्लस में जो है 2ay हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रजगुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो है ब्रजगुणन से जो है ये आसान रहेगा। तो 2ay होगा ना, 2bx हो गया और 2 का इसमें भी गुणा हो जाएगा तो 2ay हो जाएगा, आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा तो बी और माइनस में 4a हो जाएगा, ठीक है, ये है बराबर 0 के। तो इसका तुलना हम लोग जो है किससे करेंगे तो a2x धन में b2y धन में c2 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले तुलना कर लेते हैं तब मान रखेंगे ब्रजगुणन विधि में, तो पहले तुलना करके मान लिख लेते हैं a1 का मान क्या होगा। तो a1 बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो समीकरण नंबर हम लोग जो है किस में देखें, एक दो समीकरण हो गया ना, तो एक दो समीकरण हो गया तो है के हम लोग 3 नंबर समीकरण माने, है के हम लोग जो है 4 नंबर समीकरण माने। तो समीकरण 3 और 4 से देखते हैं हम लोग a1 माने है से तुलना करेंगे है कर, तो a1 का मान जो है क्या है 2a है, 2a। यहाँ देखिए x का गुणांक a1 है तो यहाँ भी x का गुणांक 2a है, तो यानी कि a1 के जगह पे 2a आएगा, ठीक है। अच्छा अब b1 के जगह पे क्या आएगा, तो b1 के जगह पे देखिए ना b1 तो माइनस में 2b आएगा, 2b आएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है c1 के जगह पे क्या आएगा, तो c1 के जगह पे आपका आएगा क्या आएगा, तो c1 के जगह पे आपका जो है यही ना है c1, तो ये प्लस 4b, ये अब प्लस में 4b आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a2, तो a2 का मान क्या होगा, तो a2 का मान इससे तुलना करेंगे तो 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अच्छा b2, तो b2 का जो है अगर हम लोग तुलना करें b2 से तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, 2a हो जाएगा। और c2 का जो है तुलना करें तो c2 का जो है b-4a होगा, b-4a होगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ब्रजगुणन से विधि से हल करेंगे, तो यहाँ जो है हम लोग लिखते हैं ब्रजगुणन विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, गुणन विधि विधि से। तो ब्रजगुणन विधि से अगर हम लोग इसको हल करें तो ब्रजगुणन का हम लोग का पहले सूत्र जो है जानना जरूरी है। तो ब्रजगुणन का जो है सूत्र होता है यक्स बटे b1c2bc होता है ना, तो bc b1c2 c1 b2 हो जाएगा, ठीक है ना, और b y हो गया, तो bc ca होता है, ठीक है ना, bc ca, ठीक है ना, ca, तो bc हो गया, ca हो गया, तो ca का मतलब आप लोग समझते हैं, यहाँ पर जो है ca का मतलब मैंने हम लोग सूत्र में लिखेंगे तो ये हो जाएगा c1 ia2 हो जाएगा, आई हो जाएगा a1 c2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर जो है क्या हो जाएगा a1 c2, भाई इस दोनों दो नहीं होना चाहिए, c1 a2 हो गया तो यहाँ a1 c2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक बटे जो है क्या लिखते हैं bc ca ab, तो bc ca हो गया तो ab, तो ab हो गया, तो a1 b2 हो जाएगा, माइनस में जो है a1 b2 आई हो जाएगा b1 a2, ठीक है ना, bc ca और ab, तो ये हम लोग का जो है समीकरण हो गया, ठीक है ना, ये हम लोग का जो है क्या हो गया a1 b2 - b1 a2 हम लोग का समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसी समीकरण में हम लोग जो है यहाँ से मान भर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि b1 के जगह पे क्या आएगा माइनस में 2b, b1 के जगह पे माइनस में 2b यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, तो माइनस में लिख देंगे x बटे माइनस में 2b, यहाँ पे लिखिए माइनस, माइनस में क्या आएगा b1 का मान, तो b1 का मान माइनस में 2b आएगा, ठीक है। उसके बाद से c2, तो c2 का मान जो है क्या आएगा, तो c2 का मान हम लोग जो है भर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि b-4a है, तो b माइनस में जो है 4a कर देंगे, b माइनस में जो है 4a कर देंगे, ठीक है ना, तो इसका मान हो गया c2 का। अब जो है माइनस कर देंगे c1, तो c1 का मान हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस 4b है,
तो ए प्लस फोर भी रख देंगे, वो भी ब्रैकेट में है। आप बी टू, तो बी टू का मान वहाँ कितना है, तो जो है 2a है, तो बी टू का मान यहाँ पे 2a रख देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस 2a को हम लोग इधर भी लिख सकते थे, तो जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब बराबर लिख देंगे हम लोग वाई का मान। तो वाई में जो है हम लोग को समीकरण दिया गया है सी वन ए टू, तो सी वन का मान हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस फोर बी है, तो यहाँ पे ले लेंगे ए प्लस फोर बी, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हमने ए प्लस फोर बी। उसके बाद से माइनस में, अब उसके बाद से ए सी वन का मान ए प्लस फोर बी हो गया। अब ए टू का मान देखिए, तो ए टू का मान टू बी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए टू का मान टू बी। उसके बाद से क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस, उसके बाद से ए वन, तो ए वन का मान हम लोग देख सकते हैं टी की 2a है, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे। उसके बाद से सी टू, तो सी टू का मान कितना है, तो सी टू का मान b माइनस 4a है, तो माइनस में जो है सॉरी 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 इंटू करेंगे ना, इंटू करेंगे हाई ए वन सी टू, तो सी टू का मान हाई है, तो ये जो है इंटू जो है बी माइनस फोर कर देंगे, ठीक है ना, बी माइनस फोर ए कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बी माइनस फोर ए कर देंगे। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या देखेंगे, सी का वैल्यू। तो ए वन बी टू, ए वन का मान है 2a, इंटू बी टू का मान कितना है, तो बी टू का मान आपका जो है 2a है, तो यहाँ भी 2a लिख देंगे। उसके बाद से जो है क्वेश्चन में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब बी वन का मान लिखेंगे, तो बी वन का मान माइनस में 2b है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि माइनस में 2b है ना, तो यहाँ जो है यहाँ भी सूत्र में माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस में, डायरेक्ट लिख देंगे प्लस में, माइनस माइनस का गुणा होगा, तो प्लस में जो है क्या लिख देंगे, अब 2b, बी वन का जगह यहाँ पे 2 और b लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है अब क्या है, तो ए टू है, तो ए टू का मान वहाँ कितना है, तो 2b है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और b, ठीक है ना। अब इसी को जो हम लोग जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करिए, एक मिनट थोड़ा लाइट बढ़ा दें यार, दिखाई नहीं दे रहा था सही से, ठीक है। तो अब सही से दिख रहा है ना, हाँ आप देखिए। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो यक्स बटे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कहीं गड़बड़ हो जाता है, तो माइनस में 2b बी का गुणा करेंगे, तो माइनस में 2 बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो है माइनस 2b का माइनस 4a में गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा होगा, तो सबसे पहले यहाँ प्लस लिख लेंगे, उसके बाद से जो है 4 × 2 = 8 हो जाएगा, उसके बाद से ए बी हो जाएगा, तो ए बी लिख सकते हैं हम लोग, बी ए चाहे ए बी लिख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो है देखिए, अभी इसी में है, अभी नहीं इसी में है ना, तो यहाँ तक है ये, ठीक है। तो अब जो अभी इसका सॉल्यूशन ही हो गया, इसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, अब इसके बाद से हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2a का जो है माइनस के साथ माइनस, देखिए मैंने यहाँ पे हम लोग माइनस में 2a लिख सकते थे यहाँ पे 2a, ठीक है ना, तो यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से लिखिए माइनस में 2a, तो माइनस में जब 2a का जो है a में गुणा होगा, ध्यान रखिएगा यही a है, ठीक है ना, 2a, तो जब 2a का जो है a में गुणा होगा माइनस से, तो ये माइनस से में आएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से माइनस 2a का जो है 4b में गुणा होगा, तो 4 × 8 माइनस में रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2 × 8 और ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब लगे हाथ इसका और सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो यक्स अब बटन में जो है क्या हो जाएगा, माइनस में जो है बी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है, तो 8ab यहाँ पे भी, 8ab यहाँ पे भी है, प्लस में है माइनस में है, तो यह 0 हो जाएगा, तो माइनस में 2a का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस में 2a का स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस में 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो है कहानी और सॉल्व कर लेते हैं अभी इसी का, तो x बटे जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x बटे, अब यहाँ पे देखिए 2b स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2b स्क्वायर है, गलती किया है, 2b स्क्वायर हो गया, आई माइनस में जो है 2a स्क्वायर हो गया, हाई हाई जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो है क्या, अभी हम इसी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसको जो है अगर सॉल्व करते हैं, तो x बटे, अब देखिए 2 जो है आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 2 अगर कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाएगा
वी का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी बतिया को हम लोग या करके लिख सकते हैं, या करके इसी बतिया को लिख सकते हैं यक्स बटे क्या है, सब अलग अलग है, यक्स बटे जो कितना हो जाएगा माइनस में दू ए प्लस बी का, मतलब ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया हम लोग को यक्स का, ठीक है, बराबर लिखते रहेंगे इतना, ठीक है। अब उसके बाद से जो है वाई को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो वाई अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वाई बटे में अब जो है टू बी का इसमें गुणा होगा, तो टू बी का चार बी में टू बी का जो इधर से गुणा कीजिए, तो टू बी का ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा टू ए बी, ठीक है। टू बी का, टू बी का जो ए में गुणा करेंगे तो टू ए बी हो गया, और टू बी का जब चार बी में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा चार दूना आठ और बी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से इसको भी गुणा करना है, तो माइनस है, माइनस में टू ए का बी में गुणा करेंगे तो माइनस में टू ए बी हो जाएगा, और माइनस में जो है माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा चार दूना आठ और ए का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को हमें सॉल्व करते हैं, तो वाई बटे में लिख सकते हैं हम लोग, अब टू ए बी है और यहाँ माइनस में टू ए बी है तो ये ख़त्म हो जाएगा, और आठ बी का स्क्वायर है, आठ बी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सोलह, है आठ बी का स्क्वायर है, आठ ए का स्क्वायर है तो कभी जुटेगा नहीं जुटेगा, तो आठ जो है बी का स्क्वायर आप प्लस में जो है आठ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर याद करके लिख सकते हैं हम लोग इतना बराबर इतना, ठीक है। तो वाई अब देखिए आठ कामन निकल जाएगा तो यह हो जाएगा ए का स्क्वायर धन में बी का स्क्वायर, प्लस है तो पहले ए का स्क्वायर धन में बी का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इतना हो गया। अब इसके बाद से जो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, किसको, इसको एक वाले को, तो यहाँ पे देखिए दो दूना मतलब ए का बटे में जो क्या हो जाएगा दो दूना चार ए स्क्वायर, तो चार ए का स्क्वायर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे प्लस है और जो है दो दूना चार बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो दो दूना चार अब बी का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद से अब फिर अगले स्टेप में एक बटे, अब देखिए चार कामन निकल जाएगा तो यो ए स्क्वायर अब प्लस में जो है बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं सबके में हरवा में जो है एक बटे चार आ ए का स्क्वायर धन में बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या देख रहे हैं कि इतना बराबर है इतना, इतना बराबर है इतना, और सब में जो है ए का स्क्वायर जो है क्या निकला है, कामन निकला है, ठीक है ना। तो सब में जो है ए का स्क्वायर कामन निकला है, तो हम लोग को जो है अगर यक्स का मान निकालना है तो जो हम लोग क्या करेंगे, यक्स बराबर जो है इतना ले लेंगे, ठीक है ना, फिर वाई बराबर इतना ले लेंगे तो वाई का मान निकल जाएगा, ऐसे यक्स का मान निकल जाएगा। तो जो है हम लोग जो है अतः लिखेंगे, तब अब हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः, साफ दिख रहा है ना भाई आप लोगों को, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः जब, अतः जब हम लोग जो है कितना ले लें, इतना बराबर है इतना, तो यक्स बटे माइनस में टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर ले लें एक बटे चार ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये ना है। तो अब देखिए जब बराबर के इधर इतना है, बराबर के इतना तो मना गुणे के साथ है, तो जब गुणे के साथ है हाई जो है ना हाई दोनों बराबर हैं तो ये हाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स बटे माइनस में दो बराबर बच जाएगा इधर एक बटे चार, अब चार माइनस में टू को इधर ला देंगे तो माइनस में टू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर माइनस में टू इधर आएगा तो माइनस में टू अब बट्टे में हो जाएगा चार। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब माइनस टू भगे में है तो इधर आएगा तो माइनस में रहेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस में रहता है तब चिन्ह इधर बदलता है। अब यहाँ पे देखिए भाग है तो इधर आएगा तो गुणा होगा तो गुणा में चिन्ह के साथ आएगा माइनस टू, ठीक है ना। मैंने जैसे देखिए हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ ए माइनस में दो बराबर जो है पाँच हो तो भाई जब माइनस दो है ना आता है तो ये प्लस में हो जाता है दो, ठीक है। लेकिन भाई देखिए माइनस दो भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में होगा और जो है ऊपर माइनस चिन्ह के साथ आएगा, ठीक है ना। तो अब दो का नाम दो और दो दूना चार, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस में एक बटे दो, तो यक्स का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, माइनस में एक बटे दो, ठीक है ना। यक्स बराबर हो जाएगा
माइनस में एक बटे दो। ठीक है, अब जो है हम लोग वाई का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो जब वाई का मान प्राप्त करना है तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और जब हम लोग जो इतना बराबर इतना ले लें तो जो वाई बराबर वाई बटे आठ आ ए का स्क्वायर आ प्लस में बी का स्क्वायर बराबर ले लें एक बटे क्या चार आ ए का स्क्वायर आधन में बी का स्क्वायर ले लें, तब जो है क्या होगा। अब देखिए चार जो है दोनों ओर बराबर है तो खत्म हो जाएगा। आ देखिए चार से हम लोग यही को काट सकते हैं, दो चार दूना आठ, तो जो है वाई बटा है दो दो हो गया बराबर एक बटा जो है क्या हो गया एक। अब दो का इधर गुणा कर देंगे इधर इसमें गुणा कर देंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा दो। तो वाई का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों दो, आई एक्स का मान कितना निकल जाएगा माइनस में एक बटे दो। ठीक है, तो हम लोग का जो अभिष्ट उत्तर हो जाएगा अभिष्ट अभिष्ट उत्तर अभिष्ट उत्तर होगा हम लोग का क्या एक्स बराबर माइनस में एक बटे दो और वाई बराबर कितना, वाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू तो दो। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, उत्तर तो लिखिए दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा बाबू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 2020 में पूछा भी गया है। आप लोग देख सकते हैं जो भी जिस सन में पूछा गया है सबका जो हमने लिख दिया है कि कौन सन में कौन पूछा है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग जो है इस जो है सवाल को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका नोट भी बनाते जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है ना, यहीं पे हल कर देते हैं। तो हल में जो है नहीं, यहाँ पे हल करना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि एक ही पन्ना में हटा दें। ठीक है, तो हल में लिखेंगे हम लोग कि दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कौन कौन अंक होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें कोई भी मान सकते हैं हम लोग, इकाई का अंक x मान सकते हैं, दहाई का अंक से x y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो माना कि इसमें दहाई का अंक हम लोग x लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कोई भी जो है हम लोग ले सकते हैं, दहाई का अंक जो है कितना है। तो यहाँ पे दहाई का अंक जो है क्या है तो x है। ठीक है ना, और इकाई का अंक जो है क्या ले लेते हैं हम लोग, तो इकाई का अंक हम लोग ले लेते हैं वाई। ठीक है ना, तो अब जो है जब इकाई का दहाई का अंक एक्स हो गया, इकाई का अंक वाई हो गया, तो अगर हम लोग जो है संख्या बनाना हो दो अंकों की तो सबसे पहले संख्या बना लेते हैं। तो अतः यहाँ पे लिखेंगे दो अंकों की संख्या, अगर इनसे दोनों अंकों की दो अंकों की संख्या बनाना हो, दो अंकों की संख्या बनाना हो हम लोगों को, तो कैसे बनाएंगे। तो अभी हम आप लोग इससे पहले बताए हैं कि जो है देखिए जब इकाई और दहाई या दहाई और इकाई का अंक पता है तो संख्या बनाना हो तो दहाई में हमेशा 10 से गुणा कर देते हैं और इकाइया को जोड़ देते हैं, तो ये को हम लोगों को संख्या प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो संख्या बराबर हम लोगों को हो गया 10x + y। अब इसमें कहा गया है कि जब अंक बदल दिया जाए, तो अंक बदल दिया जाए और अंक बदलने पर देखिए मेमोरी फुल हो गया इसीलिए घंटी बज रहा है। ठीक है ना, तो बदलने पर प्राप्त संख्या आप लोग कहते हैं ना कि सर जी जो है एक ही वीडियो में सब बना दीजिए, कैसे बनाएंगे। देखिए हमारा फोन का मेमोरी ये फट गया, तो अब हम क्या करेंगे। देखिए किसी तरह जल्दी जल्दी इसको बताते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 10y प्लस में हो गया x। ठीक है ना, तो हम भाई कह रहा है कि अंकों का जो है अंकों को बदल देने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों का स्थान बदल दे रहा है, इकाई को दहाई दहाई को इकाई कर दे रहा है, तो यहाँ पर हमने बदल दिया, 10 वही रहेगा। ठीक है, 10 तो अपने ही स्थान पर रहेगा, तो हमने जो है संख्या बना लिया। अब कहा प्रश्नानुसार लिख देंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार मैंने जैसे प्रश्न को आ रहा है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग। तो प्रश्नानुसार जो है क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार ठीक है ना, प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, तो अंकों का योग कह रहा है 12 है, तो ये नु अंक माना गया है। तो अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर जो है क्या है 12 है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है ना, उसके बाद से जो है कह रहा है कि
उसके बाद से कह रहा है दूसरे कथन के अनुसार, ठीक है ना, दूसरे कथन के अनुसार है, तो पहले कथन के अनुसार हो गया प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। अब जो है कह रहा है कि जो है अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो अंकों का जो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त जो संख्या है, ये ना है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ये जो है क्या है, तो जो है दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो इसमें भी हम लोग मैंने अगर इसको हम लोग बैलेंस करें 10y - x बराबर किसके होगा, तो कह रहा है कि ये जो स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, तो इसमें भी हम लोग जो है क्या करते हैं दी गई संख्या में 18 जोड़ देंगे, तो ये दोनों तरफ पलरा बराबर हो जाएगा। तर्जुई में अगर इसको तोल है तो जितना हाई होगा उतना हाई होगा, होगा ना, तराजू में अगर तोला जाए तो, मैंने जैसे कह रहा है वैसे, जैसे कह रहा है कि जो अंकों का स्थान बदल दिया जा रहा है वो संख्या जो है क्या हो रहा है दी गई संख्या से, ये ना दी गई संख्या है, ये वाला दी गई संख्या है क्या हो जा रहा है, इससे 18 अधिक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं 10x - y, ये तो जो है दी गई संख्या है, आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो दी गई संख्या से जो 18 अधिक है तो ये हो गया प्लस में 18। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे देखिए 10y अब प्लस में है x, अब बराबर है, अब देखिए यहाँ भी 10x धन में जो है y अब प्लस में है 18। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए अब जो है क्या करते हैं जिसमें चर राशियाँ हैं उसको इधर कर लेते हैं, तो 10y यहाँ है आई गो वाई है दे है, तो माइनस में वाई हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लस में एक्स है इधर फिर जो है 10 यहाँ नहीं आएगा बराबर के, है ना बराबर के इधर, ठीक है ना, तो 10 माइनस में हो जाएगा एक्स, आप बराबर जो है लिख देंगे हम लोग 18, 18 बेचारा इधर ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब 10y में से y घट जाएगा तो ये हो जाएगा 9y, आप लोग जानते होंगे घटाना, तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 प्लस में x है या माइनस में 10 है, तो 10x में से एक x घटेगा और चीना जो है माइनस से का आएगा, ठीक है ना, अब बराबर लिख देंगे 18, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे 9y है यहाँ पे 9x है, तो 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, तो 18, अब 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में बटे करेंगे, तो वाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 18/9, अब 9 दूना 18, तो वाई माइनस एक्स का मनवा कितना आया भाई कि 2, वाई माइनस एक्स का मान कितना आया 2। आई और कौन समीकरण बना है, एगो समीकरण हृदय बना है, तो इसको जो है समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब जो हम लोग क्या करते हैं भाई, तो जो है इस समीकरण को हम लोग जो है जोड़ के जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, विलोपन विधि से। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 अब प्लस 2 करने पर, तो 1 + 2 कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1 समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कहता ना 12, इसलिए कह रहा है नोट बनाते जाइए, नोट पे लिखते जाइए, तो x प्लस वाई बराबर जो है 12, यहाँ पे दिया हुआ है y माइनस x बराबर कहता ना y माइनस x बराबर 2 दिया है, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे भाई देखिए माइनस में एक्स है प्लस में एक्स है, तो ये खत्म हो जाएगा भाई, वाई वाई जुट जाएगा, तो ऐसे भी होता है मैंने आई बीजगणित में, तो वाई वाई जुट जाएगा, तो 2y बराबर भाई ये जुट जाएगा जब जोड़ रहे हैं तो, आ दोनों प्लस में है, तो 12 + 2 = 14, तो ये हो जाएगा 14, तो वाई बराबर कितना हो गया 14, अब बट्टे में जो है कितना हो जाएगा 2, मैंने भाई 2 है ना आ जाएगा गुणा में है नू, तो इधर आएगा तो जो है क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा यानी कि बट्टे में हो जाएगा, अब 2 × 7 = 14, तो y का मनवा कितना आ गया 7, y का मान कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, y का मान कितना आ गया तो 7, ठीक है ना, वैल्यू मान मनवा, ठीक है ना, ये जो है सब लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है, तो y का मान 7 हो गया। तो अगर हम लोग जो अभीष्ट भिन्न जो है निकालें, तो अभीष्ट संख्या भिन्न नहीं बताना है, सॉरी यहाँ पे अभीष्ट संख्या बताना है, तो हम लोग जो अभीष्ट संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, अभीष्ट संख्या यहाँ पे उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा जैसे लिखना है, अभीष्ट संख्या जो है क्या हो जाएगी, तो अभीष्ट संख्या जो हम लोग को संख्या चाहिए वह हो जाएगा 10x धन में y, है ना, हम लोग संख्या बनाए थे, तो 10
दस यक्स का मान कितना आया है? तो यक्स का मान आपका आया है, कितना आया यक्स का मान? किधर किधर गया यार यक्स का मान? यक्स का मान नहीं निकाले, अभी खाली वाई का मान निकाले हैं। अच्छा चलिए भाई, वाई का मान निकाल लिया हमने 7, तो यक्स का मान निकाल लीजिए ना। यक्स का मान, तो यक्स का मान कहाँ से निकल जाएगा आपका? यहीं से जो है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए वाई का मान। तो समीकरण नंबर 1 में वाई का मान रखते हैं 7, तो यहाँ यक्स अधन वाई के जगह यहाँ पर 7 लिख दीजिए, या बराबर लिख दीजिए 12, ठीक है ना। तो इस 7 इधर चला जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा? 12 में 7 जाएगा तो 7, 5 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे जो हम लोग जो है इसमें मान भर देंगे यक्स का, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है ना भाई। 10 यक्स धन में वाई है, तो यक्स के जगह पे 5 लिख देना है, धन में वाई के जगह पे कितना लिख देना है? तो वाई के जगह पे हम लोग को जो है लिख देना है कितना? 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। तो 10 पचास 50, धन में जो है 7 बराबर क्या हो जाएगा? 50 और 7 57, तो ये हो जाएगा हम लोग का अभीष्ट संख्या 57, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का अभीष्ट संख्या 57 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा, पसंद में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं डेली जो है इन सीरीजों को देखना, इन सवालों को देखना, तो आप लोग जो है मैंने 174 सवाल अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो डेली के जो वीडियो देखते जाइए, ठीक है ना। डेली के वीडियो देखते जाएंगे तो जो आप लोग को सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठंडी में अपना ख्याल रखिए।